Hello, I'm Dr. Sandeep Sharma, plastic surgeon, also serving Tricolour Hospital. अभी recently मेरे पास एक patient आए थे गिरीश भाई पटेल, a senior citizen. He was working with the central government, I think वो pension office में थे, and उनको कुछ काट गया था पाँव में, जिससे घाव बढ़ता बढ़ता पूरे पाँव को इन्वॉल्व कर लिया था, पूरे पाँव की चमड़ी निकल गई थी एंड मतलब घुटने के नीचे से लेकर पंजों तक कोई चमड़ी नहीं थी उनकी. कॉम्प्लिकेटेड केस था. इससे और कॉम्प्लिकेशन वो था कि उनको डायबिटीज़ भी था, तो मतलब इट मेक्स इट अ डायबिटिक अल्सर एंड प्लस इन्फेक्शन भी सीवियर था, स्वाभाविक है बिकॉज इतनी चमड़ी नहीं है. तो ये सब सिचुएशन देखते हुए जब उनको ओपीडी में देखा तो हमने उनको एडमिट किया. इसके बाद इस बैड न्यूज़ ख़त्म नहीं हुई. हमने जब उसका पस कल्चर किया देखने के लिए कौन से जंतु हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो एक काफ़ी सॉर्ट ऑफ डेंजरस जंतु जो कहते हैं सुडोमोनास का इन्फेक्शन था एंड प्लस उसकी सेंसिटिविटी कोई भी हमारे जो रेगुलर एंटीबायोटिक्स से नहीं था, मतलब रेजिस्टेंट इन्फेक्शन था. ये सब कॉम्प्लेक्सिटीज़ देखते हुए हमने उनको दाखिल किया और ओवर द नेक्स्ट 2 वीक्स उनकी हमने सार बार करी, उनके मल्टीपल ऑपरेशंस करने पड़े एंड एंड ऑफ इट हमने जब स्किन ग्राफ्टिंग करने का तैयारी करी, हमने घाव तैयार कर लिया था विदाउट यूजिंग एनी वेरी हाई एंटीबायोटिक्स बिकॉज वो एल्डरली जेंटलमैन के लिए, उनके सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी टॉक्सिक रह सकती है. एंड हमने फिर स्किन ग्राफ्टिंग का ऑपरेशन किया, उनकी चमड़ी लेके लगाई और वो पूरा सक्सेसफुल हुआ. तो ये एक डायबिटिक पेशेंट में इतने बड़े घाव में ये करने के लिए ये हमारे लिए काफ़ी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस और कसौटी रही हमारे लिए. इसमें मुझे पेशेंट और उनके रिश्तेदारों को खास करके क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने पूरे वक्त धीरज रखी और उन्होंने जो जितना टाइम भी लगा फिर भी उन्होंने कभी धीरज नहीं हारी और पूरे पॉजिटिविटी रखी थी और उनको अपने आप पर विश्वास था कि घाव रुझा के रहेगा और वैसा ही हुआ, तो उसके लिए हमें काफ़ी संतोष है.